Thank you.
तो पहले तो सूरज जी जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारी चल रही है और किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, आप तो देख ही रहे हैं, और ज़ोरदार रिहर्सल चल रही सब, ऑलमोस्ट सारे ही जो सिंगर्स हैं जो गाने वाले हैं वो सब आज आए हुए हैं, आज और कल दोनों दिन रिहर्सल होगी और बहुत ज़ोरदार प्रोग्राम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग भी ऐसे ऐसे सुनने आते हैं कि मज़ा आता है उनको सुनाते हुए, और फरमाइशें भी करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। फरमाइशें मतलब कौन सा गजल जो उनको जो उनके मन में आता है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, तो अन्नदाता है हमारे माई बाप होते हैं, उनको खुश तो करना पड़ता है, मतलब खुश करना हमारा फ़र्ज़ होता है। आप कौन से गाने को
मतलब कौन सी गजल आप? मैं एक तो और क्या है, दे वफा सनी फिल्म से मेरी गजल है, सुरमई शाम है लेकिन में से, ए जिंदगी है, तो इस तरह के अभी फिलहाल तो ये विचार है, बाकी देखते हैं उधर। सर आज आज के दौर में देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स का काफ़ी रुझान वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि गज़ल कितना उनके जहन में? देखिए ऐसे गज़ल क्लासिकल म्यूजिक ये तो जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, इसको कोई ना रोक सकता है ना कोई बंद कर सकता है उसको। बाकी ये फुलझड़ियाँ हैं तो वो ये आते जाते रहेंगे, मगर हमारा जी हमारी जो धरोहर है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की या गज़लों का जो हमारा हमारी धरोहर है वो तो ये दुनिया कायम जब तक रहेगी, लोगों को इसकी पसंद और इसका बोलबाला हमेशा रहेगा। रेखा जी कितने एक्साइटेड है और किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है ये जानना चाहिए? परफॉर्मेंस क्या होने वाला है वो मुझे भी अभी पता नहीं है, अभी तय करेंगे, बट डेफिनेटली इस बार क्योंकि 15 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई थिंक काफ़ी ओपन है सब कुछ के सेलिब्रेशन है, तो फिल्म की गज़ल भी गाई जा सकती है और कवर भी गा सकते हैं और डुएट भी अपना भी कुछ कर सकते हैं ओरिजिनल, सो आई एम एक्साइटेड। अभी मैं सुदीप के साथ बैठूंगी और तय करूंगी, और ज़्यादा मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि इस बार आई थिंक जितने फ्रेटर्निटी के लोग हैं गज़ल्स में स्पेशली वो सब इसमें शामिल हैं, तो सीनियर भी हैं और कंटेम्प्रेरी भी हैं और जो न्यू कमर्स हैं और छोटे बच्चे जो पंकज जी के इस ख़जाना में ख़ास जो इवेंट होता है जिसमें 3-4 छोटे बच्चे भी होते हैं, सो आई थिंक वो भी होने वाले हैं, सो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार फिर शामिल हो सकती हूँ। रेखा जी आपको लगता है कि आजकल के दौर में जो भी यंगस्टर्स हैं उनका ज़्यादातर रुझान वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गज़ल का वजूद धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, आपको नहीं? ऐसा नहीं है, बल्कि अभी गज़ल दोबारा बढ़ रही है आई मस्ट से, और गज़ल का कुछ ऐसा होता है कि हर 15-20 साल में एक चेंज आता है, वो एक दौर आता है कि गज़ल को कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि गज़ल इतनी पोइट्री बेस्ड है कि वो नॉर्थ के यूथ या यहाँ के भी यूथ जो क्लासिकल म्यूज़िक में आएंगे या जनरली भी आप देखें हमारे फिल्म के म्यूज़िक में भी बहुत ऐसे गाने होने लगे हैं जो अब फिर दोबारा जो गज़ल बेस्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी गज़ल मरेगी नहीं, सिर्फ वो बीच बीच में डिप आता है ज़रूर, पर डेफिनेटली आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि वो उसका एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा मिल रहा है, और इसके लिए जैसे कॉन्शियस एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे कि और ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि घर में वो बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, अगर पेरेंट्स ही नहीं सुनते हैं तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे, तो हम गज़ल चलाते हैं तो हमारा बच्चा अगर पसंद ना भी करे या ख़ुद ना सुने पर उसे आते जाते सुनाई देता है, पर अगर हम ही नहीं सुनेंगे तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे ना। रेखा जी आजकल लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि आर्टिस्ट अर्जुन साहब पर एक बायोपिक बने, आपके क्या कहना है इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस पे भी बायोपिक बन सकता है बिल्कुल बनाना चाहिए, और पंजम दा के बारे में तो उनका जो म्यूज़िक का उन्होंने पूरा एक रेवोल्यूशन आई वुड से लेके आए थे, जो हम बात करते हैं कि रिदम का जो उन्होंने नई नई चीज़ें या पानी की बोतल में भर के उससे एक रिदम लेके आए, या उनके यहाँ पे जो रिदम डिज़ाइन करते थे वो ख़ास उनका वो था एक कंट्रीब्यूशन, और पंचम दा ने जो वेस्टर्न ठेकों को जो हमारे इंडियन मेलोडीज़ में इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, और उनकी मेलोडीज़ आप देखिए वो एवरग्रीन है, वो यूथ को भी अपील करती हैं और हमको भी और जो हमसे बुज़ुर्ग हैं उनको भी, तो वो इसलिए उन पर बायोपिक बनना चाहिए, उनकी लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप बताना चाहेंगे उनकी किरदार में ऐसा कौन सा आज के ज़माने का अभिनेता होगा जो उनकी भूमिका? ओह ये तो बहुत बड़ा सवाल है, अभी तो नहीं सोच सकती रैंडमली, बट आई एम श्योर जो भी डायरेक्टर बनाएंगे तो वो ये सब बातें ध्यान में रख के करेंगे, अभी एकदम से मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा।